फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज मैं अहमदाबाद के निकोल में आ रखी हूँ, जहाँ पे फ्लावर वैली का आप देख सकते हैं आयोजन किया गया है। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं टिकट काउंटर पे और देखते हैं कि वहाँ पे कितना प्राइस है। फ्रेंड्स कम फ्रेंड्स ये देखिए, ये है टिकट काउंटर, आप देख सकते हैं। एंट्री गेट है, टिकट ले लिया। और फ्रेंड्स जो 12 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, और 12 साल के ऊपर वालों के लिए 10 रुपीज़ की टिकट है। फ्रेंड्स अब हम अंदर जा रहे हैं और आपको अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। फाइनली हम अंदर एंट्री कर चुके हैं फ्लावर वैली में, और अब चलते हैं आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे कॉस्मोस फ्लावर जो है उनकी अलग अलग प्रजाति है, गुलाबी रंग में और सफ़ेद रंग में अलग अलग कॉस्मोस फ्लावर की प्रजातियों से ये सजाया गया है। देख सकते हैं जैसे हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी फ्लावर शो वाली, वहाँ पे G20 का जैसे बनाया गया था, वैसा ही सेम यहाँ पे भी बनाया गया है G20 का, फ्लावर से उसको सजाया गया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्लावर शो में जैसे हार्ट शेप का जो बनाया गया था गेट टाइप, वैसा ही सेम यहाँ पे भी बनाया गया है। अब फ्रेंड्स चलते आइए। ऊपर क्या बना है, कुछ अच्छा सा दिख तो रहा है, अब चलते हैं आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। फ्रेंड्स जल्दी आइए और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, आप यहाँ से फ्लावर वैली का नज़ारा ले सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये पूरी फ्लावर वैली है, हम आपको यहाँ का 360 डिग्री दिखा देते हैं। आपने अभी फ्लावर वैली जो है उसका मतलब थोड़ा बहुत देख लिया होगा। सो अगर अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे आके प्री वेडिंग की शूटिंग करवानी है तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और आपको आगे का दिखाते क्या है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे एक पिकॉक है जिसको कितनी अच्छी तरीके से सजा रखा है, कितना सुंदर लग रहा है, आप ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके आप जो पूरे पीछे के पंख है वो पूरे फ्लावर्स से सजा रखे।
आपने फ्लावर वैली देख लिया और अब मैं इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ यहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर वैली है वो 7 फरवरी 2023 को खोला गया था नॉर्मल जो पीपल आम जनता है उनके लिए, और ये सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। और फ्रेंड्स, ये ना फ्लावर वैली का जो शो है वो 24,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, अब आपको फ्लावर वैली जो है फ्लावर्स देखने के लिए आपको जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड नहीं जाना पड़ेगा, आप गुजरात के निकोल में ही फ्लावर वैली का जो शो है वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने फ्लावर शो देखा था ये वैसा तो नहीं है फ्लावर वैली, बट उससे कम भी नहीं है, यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं पहाड़ होते ना जो उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर में वैसा बनाया गया है, अगर आपको वहाँ के जैसा लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में ऐसा आपको लेना है तो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड भी बनाया गया है। फ्रेंड्स, हमने पहले आपको G20 का ये दिखाया, आपको फ्लावर से सजा रखा है, और उसी के सामने आप देख सकते हैं गाइस, सामने आप देखें वहाँ पे U20 से भी सजाया गया है, देख सकते हैं सामने, ये रहा गाइस। बेसिकली जैसे फ्लावर शो में सजाया था U20 G20 वैसा ही यहाँ पे है, और फ्लावर शो जैसा एक हार्ट शेप का जो मैंने आपको पहले दिखाया था गेट जो है हार्ट शेप का वो बनाया गया है। Going on, I don't know what to do. Paralyzed by options in this world, can't pick and choose. Yeah, everybody's life is on display, including you. Yeah, I feel every day is just the same, stuck in a loop. I need some variety. I'm sick of this anxiety. I'm sick of this society. They make us feel a rival. We compare ourselves to others, but we all got different mothers. We were raised in different structures, so we're different. It's no wonder, yeah. I just want a great life, something where I feel like I just didn't waste time. Something I look back and say that was a great time. Cause man, I just hate when the years pass by the wayside. I'm so lost inside, and I need a little time to find who I am in this life. I will find a way to feel alive. I'm so lost inside. Watch out now, I figured something out. What this whole life's about, yeah. It's not the goal, it's the journey. Wasted emotion is worry. I'll stop being in a hurry, yeah. I'll just enjoy what I'm doing. Keep pushing forward and moving. Appreciate the improvement, yeah. I was so stuck on a goal, was losing sight of my soul. Need to enjoy getting old and be so present, I don't know. यहाँ पे अहमदाबाद में जो देखने जैसी जगह है उसके पिक्चर्स बनाए गए, और अब आपको दिखाते हैं कौन सी जगह है वो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अडालज स्टेपवेल है जो कि अडालज गुजरात में ही है, और ये ब्रिक मीनार्स है, और ये करंज चबूतरा है, और फ्रेंड्स यहाँ पे है श्री स्वामीनारायण मंदिर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हठी सिंह टेम्पल है जो कि दिल्ली दरवाजा अहमदाबाद में है, और फ्रेंड्स ये है भद्र फोर्ट, और ये भी भद्र फोर्ट का ही है, ये सब पूरा ये दो है। ये देखिए यहाँ पे है सिद्धि सैयद मॉस्क जो कि लाल दरवाजा अहमदाबाद में है।
आपको आगे की जो पिक्चर्स है वो दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे है जामा मस्जिद और यहाँ पे है रानी सिप्रीज मॉस्क जो है यहाँ पे बनाया गया। और फ्रेंड्स आगे बहुत सारे पिक्चर्स है वो भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिस ब्रिज जो हमने देखा था अटल ब्रिज वाली वीडियो में वो है। फ्रेंड्स ये रहा आप देख सकते हैं एलिस ब्रिज। और फ्रेंड्स यहाँ पे पोएट दलपत राम जो है उनका मेमोरियल चौक है यहाँ पे वो बनाया गया है। फ्रेंड्स ये देखिए ये है हमारे एडिटर मेरे पापा और ये हमारी मेरी जो वीडियोस है वो एडिट करते हैं ये मेरे पापा है। फ्रेंड्स मैं अपने इस व्लॉग का फ्लावर वैली वाले व्लॉग का यहाँ पे ही एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही और अब मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।